भाई हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के भी ऑर्डर आ चुके हैं और यहाँ भगदड़ देख रहे हैं आप किस तरीके से मची हुई है। यहाँ रोडों पे सन्नाटा हो चुका है और हर तरफ के जो भी रोड के ऊपर स्टॉल लगे हुए थे सब उठा पटक हो रही है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। जिस तरह से आप सिंध हुकूमत की बुरी चीज़ें दिखाते हैं, सिंध हुकूमत अगर अच्छा काम कर रही है तो अच्छा काम भी दिखाना चाहिए। आपको जो है ना पर्सनली किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, बस मैं ये बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया सर। मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम हुसैनाबाद आए थे भाई यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, तो यहाँ देखा कि जो रोड के स्टॉल हैं ये हटाए जा रहे हैं और दिन में भी इसके हवाले से विजिट हुआ था केएमसी का या जो भी विजिट करने वाले और जो रोडों के ऊपर जो पधारे वगैरह लगे होते हैं उनको हटाने वाले उनका विजिट हुआ था और अभी दोबारा से इनका विजिट हुआ है और जो ये रोड के ऊपर रेड़ियां वगैरह लगी हुई थी इनको फौरी ये लोग हटा रहे हैं। आप देख सकते हैं फटाफट समेट रहे हैं और यहाँ पर भगदड़ मच चुकी है और ये देखें जी ये रेड़ी अंदर जा रही है और किस तरफ से आ रहे हैं ये नहीं पता, मगर इन लोगों को पहले से पता चल जाता है। ऐसा लगता है कि आने वालों में से ही कोई ऐसा इनका है मोहब्बत करने वाला जो बता देता है इन लोगों को कि हम लोग आ रहे हैं, भाई आप लोग साइड पे हो जाएं। ऐसा है भाई, ऐसा ही लग रहा है जैसे केएमसी अब करीब पहुंच चुकी है। जिस तरह भगदड़ मच रही है और लोग भागना शुरू हो गए ठीक गलियों के अंदर, वो देखें गली के अंदर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, आप बताओ कौन आ रहा है। केएमसी वाले आ रहे हैं, केएमसी वाले आ रहे हैं। तुम्हें हाँ, पता है बताया किसने? वो खबर पहुंच जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी। अरे वाह भाई वाह, खबर पहुंच जाती है बच्चों के पास, खबर पहले पहुंच जाती है भाई है? तो ये केएमसी वाले यहाँ पे आ रहे हैं, कब आएंगे? चैनल का नाम खास और आम है, खास और आम है। भाई ये बेचारा वेफल्स वाला तो अभी अभी आया था और अभी ही इसको हटाना पड़ेगा। मकसूद भाई क्या कहेंगे, ये भगदड़ क्यों मच रही है? ये गवर्नमेंट जो है किसी को कमाने नहीं दे रही है ना। अच्छा, एक तो पहले हालात इतने बुरे हुए हुए हैं क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है सेल्स से है, तो सेल्स के जो ताल्लुक इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ सारा जो मसले मसाइल है ना वो रोजगार के हैं। आप अपने पॉकेट में जो है ना एक क्या बोलते हैं उसको आजकल जो खाते हैं लड़के मावा, वो लेके नहीं घूम सकते, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग जो है ना असलाह के दौर पे सारी चीज़ें छीन रहे हैं। अभी भी हम यहाँ पे जो वीडियो कर रहे हैं तो हम 5-6 लोग यहाँ पे मिल के कर रहे हैं ताकि हमें सपोर्टेड रहे ना, कि कोई छीना झपटी वाला सीन ना हो। तो अभी सिचुएशन ये है, देखिए भाई सारा इधर बंद करा दिए हैं। हाँ बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है बिल्कुल। ये किसी को भी कमाने नहीं दे रहे हैं। अभी ये लोग शाम का ही बिजनेस है, फूड स्ट्रीट का जो बिजनेस है वो शाम का होता है, रात का होता है, दिन में यहाँ सन्नाटा होता है, लेकिन यहाँ पे अभी जब उनका बिजनेस का पीक टाइम आया तो फौरन दोबारा एक्शन हो गया और ये सब लोग जो है ना अपने कार्ट लेके गलियों में चले गए क्योंकि उनको सेव करना है, वरना ये उठा के ले जाएंगे तो उनके आगे की रोजगार कल का परसों का फ्लॉप हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि ये गलत तो नहीं कर रहे मगर तरीक़ेकार गलत है, गलत नहीं कर रहे पर तरीका गलत है। अगर पहले से ही किसी चीज़ की इजाज़त ना हो तो किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ पहले लगाने दिया गया होगा, यहाँ भत्ते जाते होंगे और रोज़ की बुनियाद पर लोग यहाँ खाने आते होंगे। आप समझदार हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और बड़ी रकम जाती होगी ठीक है, मगर ये अचानक महीने दो महीने के बाद ये क्यों होता है? तो ये इसका जवाब तो आला हुकाम वही देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चलने वाला रोड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यहाँ बाइकें आ गई, फुटपाथों से नीचे जो है ये केबिन आ गए। फूड स्ट्रीट का मकसद ही यही होता है कि उस स्ट्रीट के ऊपर, उस सड़क के ऊपर आपको खाने की पीने की सारी चीज़ें मुहैया होती हैं एक अच्छे रेट में और सस्ते और क्वालिटी, तो स्ट्रीट पे ये सारे कार्ड लगे हुए हैं। मकसूद भाई ये फूड स्ट्रीट जो है ना ये हम आपने बनाई है, फूड स्ट्रीट ऑफिशियली नहीं है, ये फूड स्ट्रीट ऑफिशियली नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने वहाँ पे लिखा हुआ है, इतना बड़ा एंट्रेंस जो वो गेट लगा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ है वेलकम टू फूड स्ट्रीट, वो कोई ये दुकानदारों ने नहीं लगाया है। नहीं नहीं वो गवर्नमेंट ने नहीं करा, वो सियासी जो लोग है ना जो कुछ अरसे के लिए आते हैं, सिंध गवर्नमेंट का ही तो लगा हुआ है। मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ, मगर अगर ये फूड स्ट्रीट होती तो ऐसा ना होता जो आज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये मकसूद भाई कि ये जो काम है ना ये लीगल तरीके से होना चाहिए, इन लीगल काम हो रहा है,
जिसकी वजह से जो आला हुकाम है ना वो अपना ऑर्डर पास करते हैं, मगर इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा नीचे वालों को हो रहा है, उनको पैसा मिलता है, उनको रिश्वत मिलती है। ये बेचारे जो लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, इनमें से 10 बंदे भी अगर रगड़े में आ जाएंगे इनको मोटी रकम देनी पड़ेगी। ये कार्ड उठा के ले जाते हैं, इनके स्टॉल उठा के ले जाते हैं। अभी देखे वो उन्होंने सुबह शाम को आकर उन्होंने सारा लगाया, फिर बंद करके अब हंस रोड फूड स्ट्रीट जो पाकिस्तान की सबसे पुरानी और कदीम फूड स्ट्रीट है, जिसको फूड स्ट्रीट का दर्जा भी दे दिया गया था, उसका क्या असर हो गया? कितने बेरोजगार हो गए लोग वहाँ पे जो रहे? उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका भी वो फूड स्ट्रीट लीगल नहीं थी, वो भी फूड स्ट्रीट इनलीगल थी। कोर्ट में केस चल रहा था, आवाम ने जो वहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने केस किया हुआ था गवर्नमेंट के खिलाफ, और गवर्नमेंट वहाँ पे हार चुकी है। आवाम जो वहाँ के रिहायशी थे वो जीत चुके हैं, तो वो पता ये चला कि जी फूड स्ट्रीट जो तो है मगर वो फूड दुकानों तक महदूद है, दुकान के अंदर रहें दुकान के बाहर ना आएँ। दुकानें यहाँ पर भी हैं, दुकान तक रहें, ये जो 6-6, 8-8, 10-10 फीट आगे आ जाते हैं ना, मसला इससे है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती, लोग आ जा नहीं सकते, ये प्रॉब्लम। हम भी खाने आते हैं मगर जब यहाँ से सिर्फ गुजरना होता है ना तो हम रोड बदल देते हैं, यहाँ नहीं आते। भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।